सो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस रोड पे बात करेंगे, जैसे कि फ्रेंड्स आपका इंडियन एयरफोर्स पे सेकंड का एग्जाम चल रहा है, तो फ्रेंड्स उसी से रिलेटेड एक टॉपिक बहुत पूछा जा रहा है फ्रेंड्स एयरफोर्स पे, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक हर एक सेंटर पर जनरली आज किया जा रहा है, तो फ्रेंड्स इसी वजह से फ्रेंड्स लेके आया हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये तो अभी मैंने मुझे पता चला फ्रेंड्स कल जोधपुर सेंटर पर आज किया गया था, इससे पहले फ्रेंड्स मॉर्निंग पे अभी मैं फ्रेंड्स कुछ देर पहले मैंने आपको एक मतलब टॉपिक प्रोवाइड किया था फ्रेंड्स, जो रिव्यू है फ्रेंड्स कल के डेली सेंटर का एंड बिहटा पटना एंड बैरकपुर सेंटर का रिव्यू मैंने प्रोवाइड कर रखा है, तो उसका भी फ्रेंड्स यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। ऐसा फ्रेंड्स आप वहाँ पे एक ऐसा वीडियो मिलेगा फ्रेंड्स, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी और वहाँ पे सारे पैसे की वीडियो, जितने भी रिव्यू दिए हैं, जितने भी जीडी टॉपिक, सभी के सभी आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना व्यू शेयर करना चाहें तो फ्रेंड्स जरूर शेयर करना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मीन्स नहीं फ्रेंड्स, मतलब कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो वहाँ से अगर फ्रेंड्स आपका व्यू अच्छा होगा तो फ्रेंड्स मैं आपका व्यू जरूर दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, कि आपके अकॉर्डिंग आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एडवर्टाइजमेंट पे क्या मतलब थिंक होना चाहिए। और फ्रेंड्स आपका इंडियन एयरफोर्स पे सेकंड हो गया तो फ्रेंड्स आपको कांग्रेस अगर आपने क्लियर किया, नहीं भी किया तो भी कांग्रेस, क्योंकि फ्रेंड्स आप नेक्स्ट बार करेंगे, आपने रिटर्न क्लियर किया है। तो फ्रेंड्स बिना टाइम लेते हुए अपना मतलब चलते हैं और टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं कि फ्रेंड्स टॉपिक क्या है और टॉपिक मतलब क्या क्या हो सकता है। सो फ्रेंड्स चलते हैं और डिस्कस करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स एज अ प्रीवियस वीडियोस फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं देखिए फ्रेंड्स ये कोई वैसे मैसेज के रूप में टाइप कर लेता हूँ, थोड़ा फास्ट हो जाता है, ठीक है। पहले एक रजिस्टर पे लिखता हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स टाइप करता हूँ, तो काफ़ी वैसे टाइम लगता है। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। एंड कोई भी डाउट हो तो आप इंडियन एयरफोर्स पे सेकंड से रिलेटेड, इंडियन एयरफोर्स एग्जाम से रिलेटेड, इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड, या फिर फ्रेंड्स आपका इंडियन नेवी, ठीक है, फिजिकल मेडिकल या रिटर्न से रिलेटेड कोई भी, ठीक है। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या फिर फ्रेंड्स कोस्ट गार्ड, इन तीनों में से कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ आज करना, मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट मतलब सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आप अपना टॉपिक है जो एडवर्टाइजमेंट, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली हर एक सेंटर पर आज किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको इस टॉपिक को कर लेना है कम्पेयर, ठीक है। दो से तीन टाइप्स में आपको ले रखा है तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स टू ऑल ऑफ यू, ऐसा कह सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अपना टॉपिक है वो स्टार्ट कर देंगे। सम पीपल यूजुअली से एडवर्टाइजमेंट इज वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स एडवर्टाइजमेंट है थोड़ा सा गंदा है, ठीक है। बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू स्टॉपिंग एडवर्टाइजमेंट टू सेव मनी इज लाइक स्टॉपिंग अवर वॉच टू सेव टाइम, ठीक है। अपने देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा जिसका आपको मीनिंग नहीं आ रहा होगा, तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है, ठीक है। बिल्कुल मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखता हूँ, मीनिंग्स फ्रेंड्स काफ़ी मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो द मेन मोटो ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट प्रोडक्ट, मीन्स फ्रेंड्स यहाँ पे मेन मोटो है तो अवेयरनेस इंक्रीज करना, मतलब अवेयरनेस मतलब किसी चीज़ के प्रति कोई आप जान सके कि फ्रेंड्स क्या सही है और क्या गलत है। इट इज़ नॉट ओनली हेल्पफुल टू प्रोड्यूसर्स टू इंक्रीज दियर बिजनेस बट आल्सो हेल्पफुल टू द कस्टमर्स टू नो मोर फीचर्स एंड ऑफर्स टू द प्रोडक्ट, मतलब फ्रेंड्स देखिए जो बिजनेस करते हैं उनके लिए तो बेनिफिशियल होता ही, एज वेल एज फ्रेंड्स यहाँ पे कस्टमर्स के लिए भी बेनिफिशियल होता है। बिकॉज एज यू नो फ्रेंड्स कि किसी भी थिंग कोई भी प्रचार देखते हैं फ्रेंड्स आपको पता चलता है कि ये थिंग इतने रुपए में, ये थिंग इतने रुपए में, ठीक है। बट इट्स डिपेंड ऑन यू फ्रेंड्स कि आप वहीं से फ्रेंड्स जान जाते हैं कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, ठीक है। सो फ्रेंड्स बट कुछ फेक्स भी होते हैं, आप सभी जानते होंगे, तो आपको अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे जीडी पे बोलना है। बट मैंने कुछ फेक वगैरह सब कुछ लिख रखा है, कुछ फेवर में कुछ अगेंस्ट में, तो वो आपके अकॉर्डिंग आप जिस पॉइंट को प्रिफर करें वो आपको कैच कर लेना है, ठीक है। देन ओनली दे कैन कंपेयर अवर प्रोडक्ट्स विद अदर ब्रांड्स एंड दे कैन डिसाइड विच ब्रांड टू बाई। समटाइम एडवर्टाइजमेंट इमोशनली कनेक्ट द प्रोडक्ट विद द कस्टमर्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप इसका मीनिंग समझ सकते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा दिल से लोगों से जुड़ा होता है, ठीक है। इट क्रिएट्स अ फेस वैल्यू इन कस्टमर्स माइंड, ठीक है। एक मतलब एक अच्छा से एक सेम ना सॉफ सच वैल्यू कस्टमर के सामने इसका होता है, ठीक है, अवेयर करता है। नेक्स्ट वी कैन यूज ब्रांड एम्बेसडर्स टू प्रमोट अवर प्रोड्यूसर्स। देखिए फ्रेंड्स अब आपको पता होगा, आप अभी इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हैं फ्रेंड्स, रेलवे वगैरह पे बहुत है, आप अगर रेलवे वगैरह के एग्जाम देते हैं ना तो फ्रेंड्स वहाँ पे ये बहुत क्वेश्चन आस किया जाता है कि इस समय इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ठीक है। पंजाब बैंक के, पीएनबी बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन, फ्रेंड्स हर एक क्षेत्र पे एक ब्रांड एम्बेसडर होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप उसे मतलब यूज करते हैं कि मतलब वो अगर प्रमोट करता है तो फ्रेंड्स आपको मतलब कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट होगा, ठीक है। बट एज अ ह्यूमन वी शुड रिमेंबर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे टू प्रमोट अवर प्रोडक्ट सो दैट पीपल कैन ब्लाइंडली रिमेंबर अवर प्रोडक्ट, ठीक है। बट एज अ ह्यूमन वी शुड रिमेंबर अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स द नेशन एंड डू द एडवर्टाइजमेंट इन अ लीगल वे, मतलब हम लोगों को एक लीगल वे से अपना एडवर्टाइजमेंट है वो करना चाहिए, ठीक है, नॉट इन अ लीगल वे, ठीक है। वी कैन अट्रैक्ट पीपल बट वी शुड नॉट अफेक्ट द पीपल, हम लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए बट उनको अफेक्ट, उनको प्रभावित, उनको गलत राह पे नहीं दिखानी चाहिए। बट जैसा कि आप प्रेजेंट टाइम पे देखते हैं ऐसा है भी कुछ, ठीक है। इवन हेल्दी फूड एक्ट्स एज अ पॉइजन इफ यू टेक मोर देन अ लेवल, ठीक है।
ठीक है ना, वी शुड नॉट फाइंड कस्टमर्स फॉर अ प्रोडक्ट, इन स्टीड वी शुड फाइंड प्रोडक्ट्स फॉर आवर कस्टमर्स। इन माई व्यू एडवर्टाइज आवर प्रोडक्ट्स बाई यूजिंग डिजिटल वेज इज द बेस्ट स्ट्रेटजी इन स्टीड ऑफ यूजिंग हैंड आउट्स विच इनडायरेक्टली सेव्स आवर रिसोर्सेज बाई सेविंग द पेपर। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ अच्छे से पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, ठीक है, आपके लिए बेस्ट है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको यहाँ से वी शुड नॉट फाइंड कस्टमर्स फॉर प्रोडक्ट्स, इन स्टीड वी शुड फाइंड प्रोडक्ट्स फॉर आवर कस्टमर्स। इन माई व्यू फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जब जीडी स्टार्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे से आप स्टार्टिंग से बोल सकते हैं, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू एडवर्टाइज आवर प्रोडक्ट्स बाई यूजिंग डिजिटल वेज इज द बेस्ट स्ट्रेटजी इन स्टीड ऑफ यूजिंग हैंड आउट्स, ठीक है, विच इनडायरेक्टली सेव्स आवर रिसोर्सेज बाई सेविंग द पेपर। तो फ्रेंड्स देखिए, सेव पेपर टाइम, मतलब पेपर सेव्स कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स ऑनलाइन डिजिटली फ्रेंड्स ये सारा सिस्टम किया जाए, डिजिटल इंडिया पे भी एक टॉपिक फ्रेंड्स बहुत आज किया जा रहा है, तो वो भी मैंने करा रखा है, तो उससे भी आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे जो मेरे से बन रहा था वो मैंने फ्रेंड्स आपके लिए बेस्ट किया, उसके बाद फ्रेंड्स कुछ और मैंने कर रखा है तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आप अगर यहाँ से फ्रेंड्स क्वेच करना चाहें तो यहाँ से फ्रेंड्स ये बेस्ट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कुछ लास्ट में बेस्ट है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट है कि आई थिंक एडवर्टाइजमेंट इज नॉट अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। फ्रेंड्स कि यहाँ पे कुछ रीजंस दिए हैं, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट इसके अकॉर्डिंग तो मतलब बेकार, मतलब खराब नहीं है, ठीक है, अच्छा है एडवर्टाइजमेंट। इट क्रिएट्स अवेयरनेस फॉर द कंज्यूमर्स, मतलब कस्टमर्स के लिए अवेयरनेस फ्रेंड जागरूकता फैलाता है। आई थिंक दिस इज अ राइट पॉइंट, बट फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कभी कभी फेक न्यूज़ भी ये लोग पब्लिश करते हैं, ठीक है, जो नहीं होता वो भी करते हैं, ठीक है, आप सभी जानते होंगे। इट कीप्स अस अपडेटेड विद द न्यू प्रोडक्ट्स दैट कंपनी लॉन्चेस। फ्रेंड्स हम लोगों को अपडेट करता रहता है कि जो भी कंपनी कोई भी मतलब नई चीज लॉन्च करे उसके बारे में, ठीक है। इट इज हेल्पफुल फॉर द बिजनेस सेस आल्सो फॉर इंक्रीजिंग दियर प्रॉफिट्स एंड रिवेन्यू। फ्रेंड देखिए, अभी बिल्कुल सिंपल से वर्ड है, मतलब बिजनेसमैन को हेल्प करता है, उनका मतलब जो प्रॉफिट है, उनका रिवेन्यू है, उन्हें बढ़ाने के लिए हेल्प करता है फुली। नेक्स्ट है, इट क्रिएट्स एन इमोशनल टच विद द कंज्यूमर सो दैट दे बाय द कंपनीज प्रोडक्ट। फ्रेंड्स मतलब एक इमोशनल टच होता है, ठीक है, कस्टमर के साथ में, जिससे कि वो इजली फ्रेंड्स कंपनी का प्रोडक्ट बाई कर सके। एडवर्टाइजिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रमोशन। फ्रेंड्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म है एडवर्टाइजिंग, ठीक है, जहाँ से किसी चीज़ को अच्छे से प्रमोट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट लिखे जो फ्रेंड्स पाँचों के पाँचों फेवर में है कि हाँ हम लोगों को प्रमोशन है, एड्स है जो दिखाना चाहिए, करना चाहिए, जिससे दूसरे बंदों को बेनिफिट होगा, उनका कंपनी का खुद का बेनिफिट होगा, वहाँ पर जितने वर्कर होंगे उनको बेनिफिट होगा। सो फ्रेंड्स ये था कुछ अपना परफेक्ट सा। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा और है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे भी मैं कुछ लेके आया हूँ, ये भी आपके लिए बेस्ट है, तो आप इसे भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलते हैं और डिस्कस करते हैं। आपको एक बात बता, तो फ्रेंड्स जीडी बहुत सिंपल होता है, आपको इजीली फ्रेंड्स आप किसी भी सेंटर पे जाने वाले हैं। अभी तक फ्रेंड्स केवल कल मैंने आप जो मॉर्निंग में बैरकपुर सेंटर का रिव्यू दिया था फ्रेंड्स, वहाँ पे थोड़ा सा बंदे जो ज़्यादा आउट हुए 40 बंदे आउट हुए जीडी पे, अदरवाइज फ्रेंड्स किसी भी सेंटर पे 25 से 30 बंदे से ज़्यादा आउट नहीं हुए। कहीं कहीं फ्रेंड्स 16 से 17 बंदे आउट हुए 200 के बैच में। तो फ्रेंड्स अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे कॉन्फिडेंस रखना है, अपना इंट्रो अच्छा दे देना, हो जाएगा आपका, ठीक है। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हर एक सेंटर पर बंदे ले रहे हैं, ठीक है, मतलब कैंडिडेट ले रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जो टॉपिक की बात कर रहे थे मेनली उसी पे आते हैं, ठीक है। इन माय ओपिनियन एडवर्टाइजिंग हैज़ बोथ प्रोस एंड कॉन्स दैट एग्जिस्ट, ठीक है, मतलब अपना कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स होता है हर एक चीज़ का। ऑन वन साइड एडवर्टाइजमेंट अवेयर द कंज्यूमर्स अबाउट फीचर्स ऑफ अ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट इन द मार्केट एज वेल एज इट इंक्रीजेस द revenue, profits and goodwill of the firm. At the same time, advertisement helps to face today's market cutthroat competition. ठीक है, सम एड्स आर वेरी यूजफुल लाइक पोर्टफोलियो, स्वच्छ भारत अभियान। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये कुछ अच्छे से पॉइंट फिर से मिले कि कुछ मतलब एड्स होते हैं जो काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, लाइक ऐसे देखिए पोर्टफोलियो, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। ऑन द अदर हैंड फ्रेंड, नेक्स्ट हैंड मैं दूसरी तरफ बात करूँ फ्रेंड्स, कुछ तो मैंने अभी तक ऊपर फेवर में बोला, बट फ्रेंड्स कुछ अपोजिट में भी बोला, सम एड्स मिसलीड द कस्टमर। कुछ एड्स ऐसे होते हैं जो कस्टमर कंज्यूमर को फ्रेंड्स मिसलीड करते हैं कि आप ऐसा करें वैसा करें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, ठीक है। अबाउट प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइस के बारे में, ठीक है, उसे मिसलीड करते हैं कि इतना फ्रेंड्स प्राइस दिखा दिया इतना, ठीक है, एंड फ्रेंड ऊपर से देखा तो इतना बड़ा है, और अंदर जाके फ्रेंड्स पता चला तो फ्रेंड्स था इतना बड़ा, प्राइस तो उसका बता रहे 8,000, ठीक है, ऐसा कुछ ये फ्रेंड्स फेक है, ठीक है। नेक्स्ट है, सो एड्स हैज़ बोथ प्रोस एंड कॉन्स, मीन्स फ्रेंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स एड्स एंड एडवर्टाइजमेंट दोनों के हैं फ्रेंड्स, मतलब कि एड्स आपका टीवी वगैरह पे, एडवर्टाइजमेंट फ्रेंड्स बहुत मतलब इक्वल जो हुआ वो सब सेम हुआ, तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। आप इतने से फ्रेंड्स अपना परफेक्ट टॉपिक निकाल सकते हैं, आप अपने लिए यहाँ से परफेक्ट निकाल सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो फ्रेंड्स इस वीडियो पे इतना ही करते हैं, आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और जितने बंदों से आप करा सको सब्सक्राइब
प्लीज़ कराना, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो फ्रेंड एट लास्ट बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एंड फ्रेंड्स देखिए, आप अगर कमेंट ना करें तो फ्रेंड जय हिंद तो जरूर ही लिखा कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, एंड वंस अगेन वंदे मातरम।